मैं मुरली और आप देख रहे हैं आरटी क्रिकेट। आज खेला गया तीसरा T20 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पास क्रिकेट स्टेडियम में, और जो रिजल्ट था इस मैच का, नतीजा था, वो कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा आखिरी T20 मैच से। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बासानिश का दे दी इस मैच में और सीरीज को जीत लिया है 2-0 से। सबसे पहले अगर बात कर लीजिए टॉस की, तो टॉस जीता आज ऑस्ट्रेलिया ने और पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान ने चार चीजें की अपनी टीम में, इमामुल्लाह को लाए थे, खुशदिल शाह को लाए थे, उसके अलावा मूसा खान, इन दोनों यंगस्टर का पाकिस्तान ने डेब्यू करवाया था, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन को चांस दिया था खेलने का, जवाब रियाज को ड्रॉप करके, उसके साथ मोहम्मद इरफान को भी ड्रॉप किया था, फखर जमान को ड्रॉप किया था। ये खिलाड़ी ड्रॉप किया गए थे आज के मैच में, मगर इनमें से कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाया आज। अगर बैटिंग में बात कर ली जाए तो इमामुल हक ने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया आज, उसके अलावा रिजवान आई डक पे आउट हो गए। हारिस सोहेल की अगर बात की जाए तो हारिस सोहेल तो बिल्कुल क्या कहते हैं परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे सीरीज में। दो बार वो ये सिमिलर शॉट मार्क वाली जी पहले दो मैच में आउट हुए, उसके अलावा आज वो स्पिनर को हिट मारने गए और लॉन्ग ऑफ पर वो कैच आउट हो गए। बैटिंग में कोई भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। सारी टीम ने एक सारी टीम मिलाकर सिर्फ 106 रन बना पाई इस मैच में, और T20 मैच में तो 6 रन बहुत कम होते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही होगी किसी भी मैच में जब सिर्फ टोटल टीम की जो स्कोर है 106 रन हो। अगर बॉलिंग में बात कर ली जाए तो बॉलिंग में हम किसी को इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मूसा खान यंगस्टर थे और मोहम्मद हसनैन भी अभी यंगस्टर हैं, उनके साथ मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की, मगर कुछ विकेट आज एक विकेट भी नहीं ले पाया पाकिस्तान, और 10 विकेट से 10 विकेट से शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को। मसला जहां आ रहा है पाकिस्तान को, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था अपने एनालिसिस करते हुए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड T20 मैच में, कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान को वापस लाना होगा अपनी टीम में अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि दो सीनियर प्लेयर हैं और पाकिस्तान को अपना स्क्वाड तैयार करना T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। मोहम्मद हफीज 4 ओवर भी कर लेते हैं, उनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है स्पिनर्स के अगेंस्ट, और शुएब मलिक फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, और उसके अलावा मोहम्मद हफीज अपने 4 ओवर जो करते हैं वो तो काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहती है लेफ्ट हैंडर्स की गेंद, उनका रिकॉर्ड ही बहुत ही फिनोमिनल है लेफ्ट हैंडर्स की अगेंस्ट, अगर उठा के देखा जाए उनके मैचेज में हिस्ट्री के पास जो उनके मैचेज खेल चुके हैं उनमें वो। तो पाकिस्तान को यकीनन काम करना है बहुत सारा अपनी बैटिंग पर और बॉलिंग में भी, और मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक को यकीनन पाकिस्तान को वापस लाना चाहिए अपनी टीम में। अब T20 सीरीज तो हो चुकी है ख़त्म, अब आ रही है टेस्ट सीरीज की जिसमें 2 टेस्ट मैचेज खेले जाएंगे, तो देखते हैं पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस दे पाता है टेस्ट T20 सीरीज के बाद। टेस्ट सीरीज पर भी डिटेल प्रीव्यू वीडियो में बनाऊंगा जो कि जल्दी अपलोड होगी हमारे चैनल पर, आप देख सकेंगे 1-2 दिन में। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।